हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न संडल रेसिपी। एक साउथ इंडियन रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। आप अपने बच्चों के लिए इसे कभी भी बना सकते हैं, जैसे इवनिंग स्नैक्स में, लंच बॉक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना, ऑल पर क्लिक जरूर करना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पर एक पैन रखेंगे, आप इसे ऑयल, घी या बटर किसी में भी बना सकते हैं। मैं घी ले रही हूँ, एक बड़ा चम्मच। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। घी गर्म होने पर 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टेबल स्पून उड़द दाल। आप दाल को या तो हल्का सा धो सकते हैं या फिर इसको कपड़े से पोंछ कर काम में लें, क्योंकि इसमें पाउडर होता है थोड़ा। 1/2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, या आप चॉप कर सकते हैं। 15 से 20 करी लीव्स, एक लाल मिर्ची, इसके मैंने बीज निकाले हुए हैं, एक हरी मिर्ची, इसके भी मैंने बीज निकाले हुए हैं। दाल को हल्का सा गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। एक पिंच हींग, ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, 2 कप। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, यदि आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप मिर्च स्किप कर सकते हैं, एक ही तरह की मिर्च लें या फिर कम मिर्च डालें। हमें इसके पानी को सुखाना है, क्योंकि हमें बॉईल किए हैं तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें। अब आप देखिए, इसमें एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। गैस की फ्लेम बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद हमें 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर डालना है, या फिर आप फ्रेश कोकोनट डाल सकते हैं ग्रेट करके। अच्छे से मिक्स करें। हमारा स्वीट कॉर्न संडल रेडी है, अब आप इसे सर्व करें। बताइए फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।